नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो गुड मॉर्निंग इंडिया। गुड मॉर्निंग इंडिया में खबरों का रुख कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय में गुरुवार को ऐसा नजारा दिखा जिसने सभी को चौंका दिया। पार्टी कार्यालय में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव एक कार्यक्रम में मौजूद थे कि अचानक ही उनके पिता और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव कार्यक्रम में पहुंच गए। अखिलेश ने तुरंत उठकर उनके पैर छुए, पूरा हॉल नेताजी जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। वहीं मुलायम सिंह और अखिलेश यादव ने एक मंच साझा कर आने वाले चुनाव को लेकर भी बड़ा संदेश दिया। और ऐसे में बता दें, समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल जनवादी पार्टी ने 16 अगस्त को ही बलिया से जनवादी जन क्रांति यात्रा शुरू की थी, जिसका गुरुवार को समापन हो गया। बता दें, समाजवादी पार्टी कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में मुलायम सिंह यादव अचानक पहुंचे। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि आप जागरूक हैं, इसीलिए समाजवादी पार्टी के लिए प्रयास कर रहे हैं और इसी का परिणाम है इतनी संख्या में यहां पर आए हैं। मुलायम सिंह ने सभी का स्वागत कर बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज जितने लोग आए हैं, अगर ऐसा और हॉल होता तो वो भी कम पड़ जाता। हॉल में बैठने खड़े होने की जगह नहीं है, ये समाजवादी पार्टी की बहुत बड़ी सफलता है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी तादाद में पहली बार इतने लोग आए हैं, ये आपके प्रयास है। मुलायम सिंह ने 22 में से बता दें साइकिल की बात कही है। तो ऐसे में मुलायम सिंह यादव भी सपा पार्टी के कार्यालय में पहुंचे और जो है कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए वो विधानसभा चुनाव को लेकर नजर आए। दिल्ली विधानसभा के अंदर मिली एक सुरंग जो लाल किले तक जाती है, उसे अब आम लोगों के लिए खोलने की तैयारी की जा रही है। जी हां, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष राम निवास गोयल ने कहा है कि इसके इतिहास को लेकर स्पष्टता नहीं है। हालांकि उन्होंने ये कहा कि ये अंग्रेजों की तरफ से इस्तेमाल में लाया जाता रहा होगा। और दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष राम निवास गोयल ने कहा कि दिल्ली विधानसभा के अंदर बनी सुरंग जो लाल किला तक जाने वाली है और फांसी घर को आम लोगों के लिए अब खोलने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि पर्यटन विभाग को शनिवार और रविवार को विधानसभा में लोगों को लाने की अनुमति दी जाए और इसके हिसाब से वो विधानसभा का ढांचा भी तैयार कर रहे हैं। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली विधानसभा के अंदर बनी इस सुरंग और फांसी घर को आम लोगों के लिए अब खोलने की तैयारी है। ऐसे में विधानसभा के अध्यक्ष राम निवास गोयल ने बताया कि 75वें वर्ष की वर्षगांठ की अगली 26 जनवरी या 15 अगस्त से पहले इन्हें एक स्वरूप देकर आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। तो ये बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है। दिल्ली विधानसभा से जो एक सुरंग जाती है लाल किले तक, वो ये सुरंग जाती है, इसे अब आम लोगों के लिए खोलने की तैयारी जो है वो की जा रही है। और ऐसे में अब जो है 26 जनवरी या अगले साल 15 अगस्त से पहले पहले इसे रूप दे दिया जाएगा और ऐसे में इस सुरंग को अब आम लोगों के लिए खोला जा सकता है। दिल्ली एनसीआर में बारिश रुक रुक कर चल रही है। ऐसे में बारिश ने दो दिन लगातार रिकॉर्ड तोड़ा है। कल और बुधवार दोनों ही दिन 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई और बस इस कारण से दिल्ली में जगह जगह जलभराव और जाम की समस्या खड़ी हुई है। सुबह के वक्त होने वाली बारिश और जल जमाव से दिल्ली के लोग बीते तीन दिन से जूझ रहे हैं। ऐसे आज भी सुबह से ही बारिश हुई और कुछ देर बाद बारिश रुक गई। यही सिलसिला जारी है और ऐसे में दिल्ली में मंगलवार से शुरू हुआ बारिश का ये दौर अभी थम थम कर जारी है। बुधवार के बाद भी गुरुवार को अभी भी बता दें 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई और मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को सुबह 8:30 बजे तक बीते 24 घंटे में 117.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो कि 19 साल में सितंबर में हुई सबसे ज्यादा बारिश है। इससे पहले बुधवार को 112.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी, जो कि 19 साल में सबसे ज्यादा बारिश थी और इस तरह से दो दिन लगातार 19 साल का रिकॉर्ड टूट गया। इससे पहले बता दें साल 2002 में 126 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। ऐसे में दिल्ली में मंगलवार की सुबह 229 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी, यानी कि ये सितंबर में औसतन 129.8 मिलीमीटर होने वाली बारिश से काफी ज्यादा है। वहीं सितंबर में पहले दो दिन आमतौर पर 16.7 मिलीमीटर बारिश होती थी, लेकिन अब जो
लगातार बारिश पड़ रही है, उसने 19 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा है कि सामूहिक समारोह में उपस्थित होने के लिए अगर कोई जाता है तो उनमें भला जो है आवश्यक है उसे पूरी तरह से टीकाकरण पूर्ण अपेक्षित होना चाहिए। उसने लोगों से कोविड रोधी टीके लगवाने और विशेषकर त्योहारी मौसम के दौरान कोविड अनुकूल आचरण के पालन का अनुरोध भी किया है। एक संवाददाता सम्मेलन में सरकार ने चेताया है कि साप्ताहिक संक्रमण दर में भले ही कुल मिलाकर गिरावट ही प्रवृत्ति देखने को मिल रही है, लेकिन भारत में कोरोना की वजह से संक्रमण की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है। ऐसे में केंद्र ने कहा है कि देश में 39 जिलों में 31 अगस्त को खत्म हुए सप्ताह में साप्ताहिक कोविड संक्रमण दर 10% से ज्यादा रही, जबकि 38 जिलों में ये दर 5 से 10% के बीच रही है। ऐसे में सरकार ने बताया कि देश में 16% व्यवस्थित आबादी को कोविड रोधी टीके की दोनों ही खुराक मिल चुकी हैं, जबकि 54% लोगों को टीके की कम से कम एक खुराक दी जा चुकी है। ऐसे में सरकार ने कहा है कि सिक्किम, दादरा और नगर हवेली तथा हिमाचल प्रदेश और 100% व्यवस्थित आबादी को कोविड 19 रोधी टीके की कम से कम एक खुराक दी जा चुकी है। भारतीय एथलीट प्राची यादव महिलाओं की कैनो स्प्रिंट स्पर्धा में के फाइनल में पहुंच चुकी हैं। जी हां, उन्होंने महिला सिंगल्स में 200 मीटर VL2 स्पर्धा में तीसरा स्थान प्राप्त किया है और ऐसे में तीरंदाजी में पुरुषों की व्यक्तिगत रिकवर ओपन स्पर्धा में हरविंदर सिंह अंतिम 8 में अपनी जगह बनाने में सफल रहे हैं, जबकि बैडमिंटन महिला डबल्स में भारत की पारुल परमार और पलक कोहली की जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा था। बता दें उन्होंने फ्रांस की फॉस्टिन नोएल और लेनिक मोरिन ने सीधे सेटों में 2-0 से हरा दिया था। ऐसे में फ्रांस ने मुकाबला 21-12 और 22-20 से जीत लिया था। वहीं टोक्यो ओलंपिक में पैरा ओलंपिक में बता दें आज 10वां दिन है, जो कि भारत के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत के कई एथलीट बैडमिंटन, निशानेबाजी, स्विमिंग, कैनो स्प्रिंट, तीरंदाजी, एथलेटिक्स की स्पर्धाओं में अपनी चुनौती पेश करने वाले हैं। इन सभी एथलीटों से बेहतर प्रदर्शन के अलावा पदक की उम्मीद भी रहेगी। और बीते 9वें दिन की बात कर ली जाए तो 9वें दिन कुछ भारतीय खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन कर मेडल जीतने की उम्मीद बनाए रखी। वहीं पैरा ओलंपिक में बीते 2 दिनों से कोई भी भारतीय एथलीट पदक नहीं जीत पाया है। ऐसे में बैडमिंटन की महिला डबल्स SL3 SU5 स्पर्धा में भारत की पारुल परमार और पलक कोहली को की जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा था। वहीं ग्रुप बी के दूसरे मैच में भारतीय जोड़ी को फ्रांस की फॉस्टिन नोएल और लेनिंग मोरेन ने सीधे सेटों में 2-0 से हरा दिया था। फ्रांस ने यहां मुकाबला 21-12 और 22-20 से जीता था। यानी कि आज टोक्यो में होने वाले ये हो रहे हैं जो पैरा ओलंपिक में हैं, इनका आज 10वां दिन है। ऐसे में भारतीय खिलाड़ियों से उम्मीद जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और कहीं ना कहीं ये उम्मीद भी है कि वो अच्छा प्रदर्शन तो करेंगे, साथ के साथ वो आज पदक भी जीत पाएंगे। आबू धाबी जाने वाले ट्रैवलर्स के लिए एक अच्छी खबर है। जी हाँ, कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को अब आबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। आबू धाबी इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर कमेटी ने आने वाले लोगों को लेकर एक नए ट्रैवल रूल्स जारी कर दिए हैं। ये ट्रैवल रूल्स 5 सितंबर से लागू हो जाएंगे और उनमें कहा गया है कि आने वाले लोगों को अपने साथ 48 के दिन के अंदर की नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट लाना अनिवार्य नहीं होगा। जबकि अबू धाबी के मीडिया ऑफिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी इसको लेकर जानकारी शेयर की है। साथ ही उनके अनुसार यहां आने पर लोगों को RT-PCR टेस्ट कराना भी अनिवार्य होगा। बता दें कि एतिहाद एयरवेज ने मंगलवार को अपनी ट्रैवल गाइडलाइन को लेकर नया अपडेट जारी किया था। इसमें अबू धाबी आने वाले लोगों के लिए 12 दिनों के अनिवार्य होना क्वारंटीन की बात कही गई थी और ऐसे में हालांकि अब नए नियमों के तहत इसे समाप्त कर दिया गया है। कोविड के दोनों डोज लगवा चुके ग्रीन लिस्ट डेस्टिनेशन जिनमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन और जर्मनी शामिल हैं, उनके यात्रियों को 6वें दिन एक बार फिर RT-PCR टेस्ट कराना होगा। इसके अलावा अन्य सभी देशों के यात्रियों को 4थे और 8वें दिन कोविड टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। यानी कि
अगर अब आप अबू धाबी जाना चाहते हैं तो अगर आपने दोनों कोविड की डोज ली हुई है तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको आरटीपीसीआर टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर दोनों डोज ली हैं तो आप सीधे तौर पर अबू धाबी जो है वो जा सकते हैं और वहाँ पर रह सकते हैं। तो बता दें अबू धाबी जाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। ऐसे में वहाँ के मीडिया की तरफ से और वहाँ के आधिकारिक ट्विटर की तरफ से ये जानकारी दी गई है, ये ट्वीट दिया गया है जिसमें इन्होंने जो पहले नियम बनाया था उसको अब ख़त्म कर दिया है। दरअसल पहले ये नियम बनाया गया था कि अगर अबू धाबी जाना है तो आपको क्वारंटीन भी होना पड़ेगा और साथ ही क्वारंटीन के 48 घंटे पहले की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। लेकिन अब ये नियम जो है वो समाप्त कर दिया है, यानी कि अब अगर आपने दोनों कोविड की डोज ले ली हैं और दोनों आपने वैक्सीन लगवा ली हैं तो अब आपको क्वारंटीन नहीं होना पड़ेगा और ना ही आरटीपीसीआर 48 घंटे पहले का आपको दिखाना होगा। योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में गुरुवार को कई बड़े फैसले लिए गए। जी हां, मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि 16 जिलों में पीपीपी मॉडल के आधार पर मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे और इसके लिए जिलों के नाम भी तय हो गए हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी गंगा एक्सप्रेस वे के RFQ और RFP को भी मंजूरी मिल गई है और साथ ही ललितपुर में एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा क्योंकि वहाँ डिफेंस कॉरिडोर भी बन रहा है। तो ऐसे में कल योगी कैबिनेट की एक बड़ी और अहम बैठक हुई थी जिसमें कई प्रस्तावों पर जो है वो मोहर लगी थी। इसमें तमाम प्रस्ताव पास किए गए थे। ललितपुर में एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव जो है उस पर भी मोहर लगी है। ऐसे में गंगा एक्सप्रेसवे के RFQ और RFP के लिए मंजूरी मिल गई है। साथ ही बता दें कि सिद्धार्थ सिंह ने बताया कि 16 जिलों में PPP मॉडल के आधार पर ही मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे और इसके लिए जिलों के नाम भी तय कर लिए गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी गंगा एक्सप्रेसवे RFQ और RFP को भी मंजूरी मिल गई है, यानी कि ये वो तमाम चीज़ें हैं, तमाम फैसले हैं जिन पर कल कैबिनेट की मोहर लग गई है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अगले साल की शुरुआत में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में 2017 की तरह बीजेपी के पक्ष में चुनाव परिणाम आने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव की लड़ाई होने वाली है क्योंकि दिल्ली का रास्ता यूपी से ही होकर जाता है। उत्तर प्रदेश के चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़े जाने की बात कहते हुए उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का फैसला केंद्रीय नेतृत्व और निर्वाचित विधायक ही करेंगे। तो आप देखिए जैसे जैसे यूपी में विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं ऐसे ऐसे तमाम पार्टियां जो हैं वो पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं और यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से ये बातें कही गई हैं कि इस बार जो चुनाव है उसमें बीजेपी 2017 की तरह ही जीत हासिल करेगी और इस बार के जो चुनाव हैं 2022 के जो चुनाव हैं 2022 के साथ 2024 की भी लड़ाई है क्योंकि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से ही होकर निकलता है और ऐसे में अब जो हैं तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़े जाने की बात कहते हुए उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का फैसला केंद्रीय नेतृत्व और निर्वाचित विधायक ही करेंगे। विश्व हिंदू परिषद की एटा में हुई ब्रज प्रांत की बैठक में केंद्रीय महामंत्री सुरेंद्र जैन ने घोषणाएं की और इसमें मैनपुरी से सुमित चौहान को जिलाध्यक्ष घोषित किया गया है, जिसके बाद सुमित चौहान ने अपना कार्यभार ग्रहण किया और जिसके बाद बता दें उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है उसका मैं पूरी ईमानदारी से पालन करूँगा और आगे आने वाले भविष्य में मेरी पूरी कार्यशैली और प्राथमिकता गाँव स्तर पर विश्व हिंदू परिषद के संगठन को बेहतर तरीके से मजबूती प्रदान करने की होगी। तो बता दें विहिप ने नव नियुक्त जिलाध्यक्ष सुमित चौहान ने बयान दिया है, अभी उनको जो है चुना गया था, उन्होंने अपना
पदभार जो है वो ग्रहण किया, अपना कार्यभार संभाला उन्होंने, जिसके बाद ये तमाम बातें जो है उनकी तरफ से कही गई, उन्होंने कही। और ऐसे में उन्होंने बता दें कि ये सुमित चौहान को मैनपुरी में जिलाध्यक्ष घोषित किया गया है, और ऐसे में उन्होंने जब अपना कार्यभार ग्रहण किया उसके बाद उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है उसका मैं पूरी ईमानदारी के साथ पालन करूंगा और आगे आने वाले भविष्य में मेरी पूरी कार्यशैली और प्राथमिकता गांव स्तर पर विश्व हिंदू परिषद के संगठन को बेहतर तरीके से मजबूती प्रदान करने की होगी। 28 तारीख को जनपद एटा में ब्रज प्रांत की बैठक में केंद्रीय महामंत्री सुरेंद्र जैन जी के द्वारा पूरे प्रांत की नवीन घोषणाएं हुई, उसमें मुझे मैनपुरी जनपद का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया। हमारी प्राथमिकता सबसे पहले विश्व हिंदू परिषद को गांव स्तर तक मजबूत करने की रहेगी। अभी स्थापना वर्ष के कार्यक्रम है, कल मैनपुरी नगर का स्थापना वर्ष का कार्यक्रम अपने एकरसानंद आश्रम में सत्संग हॉल में रखा गया है। हम लोगों की योजना एक एक ग्राम पंचायत पर समिति का गठन अक्टूबर तक करना है, और इन कार्यक्रमों के बाद स्थापना वर्ष के कार्यक्रम 1 तारीख से जो शुरू हुए हैं और 6 तारीख तक चलेंगे, इन कार्यक्रमों के बाद संगठन को गांव स्तर पर मजबूत करने के लिए जो लोग जिले की टीम में लिए गए हैं सभी का प्रवास तय किया गया, सभी लोग प्रवास पर रहेंगे और अक्टूबर तक गाँव समिति तक विश्व हिंदू परिषद का गठन करना है। को मौसम सुहाना हो गया, जहां एक तरफ दिन भर रुक रुक कर हो रही रिमझिम बारिश होने से लोगों को उमस भरी गर्मी से काफी राहत मिली, तो वहीं बारिश किसानों के लिए भी राहत भरी रही। नकुड़ के किसान ओम सिंह ने बताया कि बारिश धान रोपाई के लिए कारगर है और ऐसे में जिन किसानों ने धान की रोपाई कर दी है उनकी फसलों को पानी मिलने लगा है। वहीं गलीरा गांव के किसान सुशील कुमार का कहना है कि बारिश खेतों के लिए संजीवनी है और गन्ना फसल को भी पानी की जरूरत थी जो बारिश ने पूरी कर दी है। तो बता दें पूरे भारत में कई राज्यों में इस समय बारिश का दौर जो है वो लगातार जारी है। दिल्ली NCR हो या आसपास के इलाके हों या यूपी के तमाम ऐसे जिले हों जहां पर रुक रुक कर बारिश जो है वो पड़ रही है, ऐसे में बारिश ने लोगों को राहत जरूर दी है उमस भरी गर्मी से, क्योंकि बीते कई दिनों से मौसम जो है वो काफ़ी गर्म था, उमस भरी गर्मी हो रही थी, ऐसे में बारिश पड़ जाने से अब लोगों को राहत जरूर मिली है। साथ ही आम लोगों के साथ ही बता दें किसानों को भी राहत ये बारिश लेकर आई है, क्योंकि ऐसे में जो फसल उन्होंने बोई थी उसके लिए उन्हें पानी मिल रहा है, इसीलिए अब किसानों के चेहरों पर भी खुशी देखी जा रही है। शरीर त्यागने के बाद मृतक के नेत्रदान करने के लिए लोगों को जागरूक करने के प्रयास लायंस क्लब ने तेज कर दिए हैं। जी हां, ऋषिकेश में पुलिस के बाद अब SGM और तहसीलदार ने भी लायंस क्लब के जागरूकता अभियान को अपना समर्थन दिया है। दोनों ही अधिकारियों ने लोगों से जनहित में शरीर त्यागने के बाद नेत्रदान करने का संकल्प लेने की अपील की। बता दें कि लायंस क्लब ऋषिकेश देवभूमि के सदस्यों ने SGM और तहसीलदार को इस बारे में जानकारी देकर सम्मानित भी किया है, और दोनों ही अधिकारियों से कार्यालय में मिलने पहुंचे वाले लोगों को भी अब उनकी टेबल पर नेत्रदान करने से संबंधित एक प्लेट भी रखी दिखाई देगी, जिसे पढ़कर लोग नेत्रदान करने और कराने के प्रति जागरूक होंगे। उम्मीद है कि लायंस क्लब की तरफ से चलाए जा रहे इस जागरूकता अभियान से प्रेरणा लेकर तमाम नेत्रहीनों को लाभ मिलेगा, जो दुनिया के सुंदर नजारे देखने की तमन्ना अपने मन में समेटे बैठे हैं। तो एक अच्छी पहल और काफ़ी अच्छी पहल की गई है लायंस क्लब की तरफ से। ऋषिकेश में लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि जब शरीर त्याग देंगे आप उसके बाद आप नेत्रदान कर सकते हैं, और इसीलिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि जो लोग जिनकी आंखें ठीक नहीं हैं ऐसे में नेत्रदान
जब होगा तो उन लोगों को वो आंखें दे दी जाएंगी और वो दुनिया को देख सकेंगे और वही महसूस कर सकेंगे जो आम जनता आम लोग जो है दुनिया को देख सकते हैं। लायंस क्लब की तरफ से बता दें ऋषिकेश में ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और ऐसे में बड़े स्तर पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उत्तरकाशी में राज्य आंदोलनकारी और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने खचीमा और मसूरी गोलीकांड में शहीद हुए आंदोलनकारियों की स्मृति में हर्बल गार्डन में पौधा रोपित किया। जिलाधिकारी अनार का पौधा रोपित किया, वहीं उन्होंने राज्य आंदोलनकारियों ने कई प्रजाति के पौधे हर्बल गार्डन में रोपित किए। उसके बाद शहीद राज्य आंदोलनकारियों को पुष्पांजलि भी अर्पित की गई। बता दें कि उत्तर प्रदेश से अलग राज्य निर्माण को लेकर 1 सितंबर 1994 को खचीमा और 2 सितंबर को मसूरी गोलीकांड हुआ था जिसमें राज्य आंदोलनकारियों के ऊपर गोलियां चलाई गई थी। वहीं हर्बल गार्डन में पौधारोपण के दौरान SGM देवेंद्र सिंह नेगी और अध्यक्ष राज्य आंदोलनकारी डॉक्टर विजेंद्र सिंह पोखरियाल समेत तमाम लोग मौके पर मौजूद थे। उत्तरकाशी के मौरी विकास खंड के जखोल गांव में बुधवार को समाज कल्याण विभाग की तरफ से जन कल्याण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में कई विभागों की तरफ से सरकार की जन कल्याण योजनाओं की जानकारी आम जनता को दी गई। पेंशन प्रकरणों के साथ ही किसान बागवान और पशुपालकों को भी लाभान्वित किया गया। शिविर में 31 वृद्धा पेंशन फॉर्म वितरित किए जाने के साथ ही 18 आवेदन पत्र भी मिले। वहीं किसान पेंशन के 39 आवेदन पत्र वितरित किए गए और 14 आवेदन मिले। शिविर में पूर्ति विभाग की तरफ से 35 राशन कार्ड ऑनलाइन किए गए। वहीं पशुपालन विभाग की तरफ से 56 पशुपालकों को लाभान्वित भी किया गया। इसके अलावा 125 पशुओं का उपचार भी किया गया। तो ये उत्तरकाशी में जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया। ऐसे में बता दें शिविर का आयोजन हुआ, 56 पशुपालकों को लाभान्वित किया गया है। रुद्रप्रयाग में प्रसिद्ध पर्यावरणविद जगत सिंह चौधरी जंगली के कृषि फार्म कोट मल्ला में कृषि विभाग की ओर से औषधि पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें कृषि क्षेत्र में काश्तकारों के बढ़ते रुझान की सराहना की गई। साथ ही क्षेत्र के उन्नतशील कृषकों को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान GM मनोज गोयल ने औषधीय पेड़ रोजमेरी का रोपण करते हुए अन्य काश्तकारों को भी प्रेरणा दी। बता दें कि रानीगढ़ पट्टी के कोटमल्ला गांव में 1 हेक्टेयर भूमि पर 10,97,000 रुपए की लागत से कृषि विभाग और मनरेगा के संयुक्त प्रयासों से औषधीय पौधों का रोपण योजना की शुरुआत जिलाधिकारी मनोज गोयल ने कोटमल्ला गांव पहुंचकर की। तो बता दें रुद्रप्रयाग में कोटमल्ला में औषधीय पौधारोपण का ये कार्यक्रम रखा गया और ऐसे में कार्यक्रम जो है वो रखा गया। तो बता दें ये कार्यक्रम रुद्रप्रयाग में रखा गया जहाँ पर कोटमल्ला में औषधीय पौधे रोपण का ये कार्यक्रम रखा गया था जिसमें बढ़ चढ़ कर लोगों ने हिस्सा लिया। और ऐसे में आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें कृषि क्षेत्र में काश्तकारों के बढ़ते रुझान की सराहना की गई। साथ ही साथ क्षेत्र के उन्नतशील कृषकों को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान आपको बता दें GM मनोज गोयल ने औषधीय पेड़ रोजमेरी का रोपण करते हुए अन्य काश्तकारों को भी प्रेरणा दी। साथ ही रानीगढ़ पट्टी के कोटमल्ला गांव में 1 हेक्टेयर भूमि पर 10,97,000 रुपए की लागत से कृषि विभाग और मनरेगा के संयुक्त प्रयासों से औषधीय पौधों का रोपण योजना की शुरुआत जिलाधिकारी मनोज गोयल के ने कोटमल्ला गांव पहुंचकर की। इसी के साथ गुड मॉर्निंग इंडिया में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।